वेट वेट वेट, स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, माई सेल्फ विकास एंड यू आर वॉचिंग पढ़ाकू ब्लॉगर। तो 4th ऑफ मई 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें क्या था, उसमें था कि स्कूल्स जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो वो अपने फी को रिड्यूस करें। बिल्कुल सही ऑर्डर था, और उसमें बताया गया कि 15% फी डिडक्शन होना चाहिए, बिकॉज स्कूल में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका अवेयर स्टूडेंट नहीं कर रहे, बट स्टूडेंट को फी पे करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग और अप टू 12th तक वालों को तो अच्छी बात है, 15% का डिस्काउंट मिला, बट हम जैसों का क्या, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए तो कुछ नहीं। कोरोना हमारे लिए भी है, बिजनेस हमारा भी बंद हुआ है, इकोनॉमिकल लॉसेज हमें भी आए हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमारे बारे में सोचना चाहिए। और सर, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दैट हमारे तरफ भी कुछ सोचिए आप लोग, बिकॉज स्कूल का तो बहुत अच्छा हुआ कि 15% डिस्काउंट हुआ, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस लाखों में है, एक सेमेस्टर की फी, तो सर प्रॉब्लम उनको भी हो रहा है बिकॉज कोरोना ओवरऑल इंडिया पे है। तो सर प्लीज हमारे ऊपर भी देखा जाए, और कुछ कॉलेजेस के लिए भी गाइडलाइंस आने चाहिए कि आप भी कुछ फी में रिडक्शन करें। आते हैं दूसरे पॉइंट, हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं अमन धत्र, बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे, और अगर आप स्टूडेंट और यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो तो उन्हें जरूर जानते होंगे। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि हमारा पंजाब साइड के एक या दो कॉलेज ऐसे हैं जो मतलब कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर का आपको जाना है तो वो फी इस पहले सेमेस्टर के, लाइक 4th सेमेस्टर में आप प्रमोट हो रहे हो तो वो 4th सेमेस्टर का फी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम होने से पहले चले जाने चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उन कॉलेज वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि सर आप लोग इस देश का भविष्य बना रहे हो, और वो बच्चा सोच लो जो आपके यहाँ 15 लाख 20 लाख रुपए देके पढ़ने आया, वो एक सेमेस्टर का, ऐसा नहीं कि वो फी नहीं देगा, वो बिल्कुल देगा, बट आप सर एडमिन वालों हो, आप लोग थोड़ा सा देखो ना कि आप लोग चला लोगे कॉलेज अच्छे से चला लोगे, तो उनको थोड़ा रिलीफ दे दो, और इस कोरोना में स्टूडेंट्स को भी थोड़ा रिलीफ दो, बिकॉज स्टूडेंट है तभी आप लोग कॉलेज चला पाओगे, नहीं रहेगा तो आप पढ़ाओगे किसको, प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स को बहुत आ रही है। पढ़ आता हूँ, ऐसे ही सिर्फ कॉलेजेस नहीं है जो कि फी सेमेस्टर से पहले ले रहे हैं, हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड जो कॉलेज चलता है, उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक में एक बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटी का पहल उठाया है, और वो वैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके की पेरेंट लाइक मदर और फादर जिनके थ्रू वो कॉलेज अपना परसीव कर रहे थे और जो की फी उनका पे कर रहे थे, अगर उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हुआ और उनकी डेथ हुई है तो वैसे स्टूडेंट्स को एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आगे का जितना भी सेमेस्टर है उन सारे के लिए मतलब उनका फी वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए तो एक बहुत ही ह्यूमैनिटी का काम किया है एमिटी यूनिवर्सिटी वालों ने, और बेसिकली एमिटी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटी का काम किया है कि ऐसा कुछ स्टेप उन्होंने लिया है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉलेज के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आने चाहिए कि हमारा भी फी थोड़ा रिलीफ हो। फी क्यों रिलीफ हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उस पर भी मैं बताता हूँ आपको। फी रिलीफ होने चाहिए क्योंकि सर हमारे यहाँ कॉलेज में सेंट्रल एसी चलती है, हमारे यहाँ लैब्स चलते हैं, और भी बहुत सी फैसिलिटीज है जो अगर एक स्टूडेंट कॉलेज में जाता है उसको अवेल करता है, बट सर तीन सेमेस्टर से लाइक पिछले 1.5 साल से हर एक स्टूडेंट घर बैठा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो सर कॉलेज का कुछ तो ऐसा होगा ना जो कम खर्चाया होगा, तो वही कम खर्च स्टूडेंट्स पे भी बांट दिया जाना चाहिए ताकि उनको भी कुछ फी का जो लोड है वो कम हो जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या, ओवरऑल टोटल फैमिली बहुत ही प्रेशर में चल रहा है आजकल। पहला लॉकडाउन तो किसी तरीके से निकल गया, बट ये लॉकडाउन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो सर एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा गाइडलाइन आना चाहिए, लाइक कॉलेज या तो फी रिड्यूस कर दे, या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कॉलेज को ऐसा गाइडलाइन दो कि वो पूरे सेमेस्टर में अपना फी कभी भी दे दे, उस पे लेट फाइन ना लगाए, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेट फाइन भी बहुत हैवी पेनल्टी के होते हैं, अगर आप इस ड्यू डेट के अंदर पे ये नहीं करते हो तो आपको इतने फी हो जाएंगे, तो वो लेट फाइन बहुत होता है। सो सर इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कि आप कॉलेज के लिए भी कुछ गाइडलाइन लाइए, सो दैट फीस में या तो कॉन्सेशन हो जाए या फिर वो ड्यू डेट लाइक वो पूरे सेमेस्टर में कभी भी दे। सो आज के वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, आज का वीडियो जस्ट एक रिक्वेस्ट वीडियो था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको लगता है कि ये टॉपिक सही था और मैं जो बोल रहा हूँ ये सही था और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को ये ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फी पेमेंट करने में, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुंचे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, बिकॉज ट्रैवल तो भी बंद है और हम लोग ब्लॉगर्स हैं तो हमें सोशल टॉपिक्स को भी उठाने चाहिए। तो ट्रैवल तो बिल्कुल बंद है, जब तक कोविड या तो लॉकडाउन खत्म नहीं होता या फिर कोविड कुछ रिलीफ नहीं होता तब तक तो ट्रैवल का वीडियोस कोई अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे बट इतना प्रॉमिस करता हूँ, जैसे कोविड का कुछ रिस्ट्रिक्शन कम होता है या फिर कोविड कम होता है तो ट्रैवल वीडियोस एज इट इज हर सैटरडे को आना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।